अब बात करते हैं रीवा की, जहां नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के नेता जोर आजमाइश लगाना शुरू कर दिए हैं। 7 जुलाई को यहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी रीवा दौरा निश्चित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे के दौरान वेंकट भवन के सामने सभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन पहुंचे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। आइए आपको सुनाते हैं दोनों अधिकारियों ने क्या कहा है। जायजा लिया जा रहा है तो आचार संहिता भी लगी हुई है और आपको अपना भी काम करना है, किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें आज सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करते हुए समस्त पुलिस अधिकारी यहाँ हमारे जो ड्यूटी में रहेंगे उनको आज भ्रमण कराया गया है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में जो कमी ना रहे और उनका आने का रूप किस प्रकार का रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, कब तक आज लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम होगा करने के लिए। वैसे तो जो नॉन गवर्नमेंटल कार्यक्रम है और चुनाव के हिसाब से ये कार्यक्रम बना है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग और साथ की टीम और PWD की टीम जो आने जाने का रास्ता है और जो मंच है सुरक्षा और उसकी सुदृढ़ता को परीक्षण कर रहे हैं, ताकि कार्यक्रम में VVIP की सुरक्षा से कोई कम्प्रोमाइज न हो।